दोस्तों, अगर इस ठंड के सीजन में आपको भी शिकायत रहती है, हमेशा कंधे में दर्द की शिकायत रहती है, सर्वाइकल आपका बढ़ जाता है, घुटनों में दर्द की शिकायत या कमर में दर्द की शिकायत हो रही है या टेलबोन में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, तो आज के वीडियो में मैं इसी को डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे कुछ एक घरेलू उपाय से इस प्रॉब्लम को आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको देने वाली हूँ। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आज जो मैं बताने वाली वो ये बताने वाली हूँ कैसे जब ग्रीस खत्म हो जाती है, स्पेशली जब ठंड का समय आता है, ऐसे टाइम में बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में तो ड्राइनेस आती ही आती है, साथ में हमारे जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं वहां भी ड्राइनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में रिगरन बढ़ जाती है, हड्डियों में दर्द बढ़ जाती है, चढ़ने उठने बैठने में तकलीफ होती है, लाइफ के जनरल काम करने में आपको तकलीफ होने लगती है। हड्डियों को जब कमजोर होती है तो सिर्फ कैल्शियम या विटामिन डी लेने से ये ठीक नहीं हो सकती है, इसके लिए कुछ और करने की भी जरूरत होती है। हड्डियों का घिस जाना भी एक इसका कारण हो सकता है, हड्डियों का कमजोर हो जाना भी एक कारण हो सकता है, विटामिन डी और कैल्शियम का भी कारण हो सकता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इनमें से कोई भी कारण नहीं होता, उसके बाद भी आपके जोड़ों में आपको लगातार बेसिस पे दर्द बनी हुई रहती है, जो कि बात की प्रॉब्लम के वजह से होती है। आयुर्वेदा हमेशा ही ये कहता है कि जब बात आपके शरीर में बढ़ा हुआ होता है तो आपके मोस्टली जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स जब हो जाती हैं तो ऐसे टाइम में सिर्फ कुछ पेन किलर खाकर अगर इसको आप ठीक करेंगे तो इसकी वजह से आपके पेट में दूसरी प्रॉब्लम्स होनी, कॉन्स्टिपेशन होना, लिवर का खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं कुछ ऐसे घरेलू चीजें आपको बताने वाली हूं जिसको लेने के बाद आपको इंटरनल ताकत तो आएगी, हड्डियों में मजबूती आएगी, दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ कभी भी दोबारा आपको ये तकलीफ वापस नहीं आएगी। क्या करना है कि आप सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत लोगों ने बताया भी है, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है 50 ग्राम मखाना, बादाम 50 ग्राम, अगर नॉर्मल बादाम है तो भी चलेगा, लेकिन मामरा बादाम अगर होगा तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मामरा बादाम के अंदर जो है वो नेचुरल ऑयल ओमेगा 3 बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद आपको लेना है दालचीनी, अगर साबत है तो 4-5 स्टिक दालचीनी ले लीजिए, अगर दालचीनी का स्टिक नहीं है तो आप एक छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, एक चम्मच आप सौंठ का पाउडर ले लीजिए, 10 अखरोट ले लीजिए, 1-2 चम्मच आप मिश्री ले लीजिए। मिश्री, जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो मिश्री के जगह पे गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच सफेद तिल ले लीजिए। इन सारी चीजों को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीसने के बाद अगर गुड़ आपने लिया है तो इसको बाहर से मिला सकते हैं, पीसने के टाइम में भी डाल सकते हैं, मिश्री को आप पीसने के टाइम में ही डाल सकते हैं। इसको एक डब्बे में भर के रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका लेने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपका बॉडी सबसे ज्यादा हड्डियों के मामले में कब रिकवर करता है वो मैं बताने जा रही हूँ। आपको इसको लेना है खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब दिन का और रात के खाने के टाइम का बीच का, जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है वैसे टाइम में आपको लेना है। लेकिन लेना कैसे है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने लेना है 1 कप दूध, अगर आप बादाम का दूध लोगे तो आप जान लो कि जिंदगी में ये प्रॉब्लम आपकी लौट कर कभी नहीं आएगी। अगर आप बादाम का दूध नहीं ले सकते तो फिर नॉर्मल दूध लीजिए। मेरा ये मानना है कि एनिमल मिल्क से कभी भी कोई दर्द ठीक नहीं हो सकता। अगर आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रहना है तो एनिमल मिल्क को अपनी डाइट से हटाना होगा, लेकिन अगर मजबूरी आप नहीं ले सकते हैं तब 1 कप दूध लीजिए। मेरे हिसाब से बादाम का दूध है, 1 कप बादाम का दूध लीजिए। बादाम का दूध कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। 1-1.5 कप पानी में इस 1 कप बादाम को भिगो देना है, सुबह उठकर उसको उस पानी से निकाल कर फिर मिक्सी में 1/2 कप पानी डाल के पीस लेना है। पहले थोड़ा पेस्ट सा थिक पेस्ट बना लेना है और फिर उसके अंदर में 2-3 कप और पानी मिलाकर एक बार चला देना है, बन गया बादाम का दूध। इस बादाम को दूध को आप फ्रिज में 3 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो 1 कप बादाम का दूध लिया, गरम किया उस दूध को, सुबह में करना है आपको तो गरम दूध लिया, उस गरम दूध के अंदर 1 छोटी चम्मच ये जो हमने पाउडर बनाया है इस पाउडर को मिला दीजिए। अच्छे से मिलाकर इसको ढककर रख दीजिए और रखने के बाद जब
शाम को आप 4:30-5 बजे स्नैक्स चाय का आपका टाइम होता है, वैसे टाइम में आप चाहें तो माइक्रोवेव में हल्का सा उस टाइम में इसको आप गुनगुना भी कर सकते हैं, अच्छे से दोबारा मिलाकर उसको फेंट कर और उसको पी जाइए। इससे क्या होगा कि इन सब चीजों का टोटल सत्व भी इसके अंदर मिल जाएगा, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, आपका दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और अगर सूजन वगैरह भी बाहर से है तो आप तिल के तेल में जो है आप मिला सकते हैं थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा हल्दी, और जहां जहां सूजन है उस जगह पे इससे अगर मालिश करेंगे तो आपकी सूजन भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। है ना मजेदार उपाय? इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। लाइक के बटन को क्लिक कर दें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को क्लिक कर दें और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।